नेक्स्ट ये क्वेश्चन डाउट में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बच्चे डाउट पूछते हैं। इसमें कहता है दो बॉय हैं, एक का नाम ए है, नहीं दो बॉय हैं, हाँ एक स्ट्रेट लाइन के एंड पे ए एंड बी पर खड़े हैं और उनके बीच का डिस्टेंस ए है। बॉय बी स्टार्ट रनिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी बी वन, द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग सिमल्टेनियसली विथ स्पीड बी एंड कैच द टाइम टी बाय, तो टी की वैल्यू निकालो। चलो अब क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ बेहतर तरीके से कि ये का क्या रहा है। दो बॉय हैं, ठीक है, एक एक का नाम चलो ए रख दो, एक का नाम बी रख दो, और ए यहाँ पर है और ये एक यहाँ पर है, और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए है। अब जो है बी वाला बॉय ए बी के परपेंडिकुलर दौड़ता है, ए बी लाइन इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर तो वर्टिकल वाली लाइन आएगी, इधर भागेगा। चलो तो ये ऊपर जाने लगा, मान लो ऊपर जाने लगा, जाने दो इसको, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही टी इक्वल टू जीरो से ऊपर जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पर ए बी दौड़ना स्टार्ट करेगा, और इस तरह से दौड़ेगा कि इसकी इच्छा है कि इसको पकड़ ले, इसकी इच्छा है कि इसको पकड़ ले। अब ये इसको कैसे पकड़ेगा यार, अब उधर जाएगा तो थोड़ी पकड़ेगा, ठीक है, पागल है क्या। तो ये इधर ही दौड़ेगा, इसकी साइड मान लो, ये इधर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये थीटा डिग्री पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का मिलन हो गया है, ठीक है, ये दोनों पकड़ लिया, ये इसको पकड़ लिया, और टाइम बीत गया टी। तो ये दौड़ता है कौन, किसकी वेलोसिटी दी हुई थी, ठीक है, तो द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी वी वन, ठीक है, परपेंडिकुलर ये जो है वो वेलोसिटी वी वन से दौड़ता है और ये वेलोसिटी वी से दौड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों को टी निकालना, टी टाइम बाद पकड़ लेता है, तो टी की वैल्यू निकालना है। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है, मैं देखो कैसे करता हूँ, और वैसे तुम करना इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो देखो, अगर ये जो वेलोसिटी वी है, यहाँ से जो वी वेलोसिटी पे पकड़ रहा है, तो अगर मैं वी के कंपोनेंट करता हूँ, वी के कंपोनेंट करता हूँ, तो वी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और वी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बच्चा ऊपर भागता परपेंडिकुलर और ये भी ऊपर भागता परपेंडिकुलर, तो क्या ये कभी पकड़ पाएगा क्या इसको, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वी साइन थीटा जो कंपोनेंट है, इस बच्चे का जो वेलोसिटी थी, उसका जो भी साइन थीटा है, वो इसके इसको पकड़ने में कोई रोल ही नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट्स नॉट एनी कंट्रीब्यूशन इसको पकड़ने में। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कॉस थीटा का है, ठीक है। तो अगर टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस उधर ही होता है जिधर वेलोसिटी होती है यार, है ना, ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस मतलब यार 10 एक बच्चा इधर भाग रहा है और तुम इसको पकड़ रहे हो इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसका इधर है और वेलोसिटी इधर कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है, जिधर की वेलोसिटी उधर की डिस्प्लेसमेंट। तो जब बच्चा यहाँ पर था तो इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए हुआ जब इसको पकड़ लेगा तो, और उसकी वेलोसिटी वी कॉस थीटा हो गई। तो टाइम लग जाएगा, टाइम डिस्टेंस ए अपान वी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा एक अननोन है, कॉस थीटा एक अननोन है, तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, उसको मैं वेलोसिटी के टर्म में लिख रहा हूँ सभी साइड, ये वी वन है, ये वी है, तो ये बेस कितना हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू ए अपन वी, और कॉस थीटा अपन वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है, बी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच, बेस कितना भैया, बेस है वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है, और बी वाई एच, एच कितना भाई, एच है बी। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट और ये बी, तो बी ने बी को, बी ने बी को, तो फाइनली ए अपन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट, इतने टाइम बाद पकड़ लेगा इसको, इतने टाइम बाद इसको पकड़ लेगा, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है। ए को अंदर कर दिया, कर कोई बात नहीं, ठीक है, हम भी अंदर कर सकते हैं, तो ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये करने को, देखो अगर इसको ऐसे भी कर सकते हो, चलो ये अगर मान लो
ये दौड़ा भी से और ये गया भी वन से, यहाँ दोनों मिल गए और ये थीटा, ठीक है। अब ये इस बी वाले को यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो टी है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस पता हो जाए, ठीक है, तो इसे टी से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा। तो जो भाई इसको बी वाले को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लगेगा और इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लगेगा। टाइम जो मीटिंग का टाइम हो तो सेम होगा ना। तो जो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज वाई, वाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड बी वन, ये भी सोल्यूशन सही देगा। तो वाई तो हमें पता ही नहीं है ना, तो ए पता है ना ये कितना है, ठीक है, तो ये पता, तो थीटा कितना, वाई निकल जाएगा, तो टेन थीटा कॉस थीटा, हाँ टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, तो वाई की वैल्यू ए टेन थीटा आ गई, मतलब ए टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू भी वन। अब थीटा की वैल्यू ला के रख दो टेन थीटा, तो इस ट्राइंगल में ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, वी वन स्क्वायर अपन ई, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ए अपन वी वन, और टेन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से वेलोसिटी के टर्म में सभी लिखा हो, तो इस ट्राइंगल से आ जाओ टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई वी, वी वन अपन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट। तो वी वन ने वी वन को, ठीक है, तो टी देखो पहले वाला ही सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम बहुत मतलब इसको लगा सकते हो यार, ठीक है, चलो।